तो ये क्लास नाइन्थ चैप्टर टू पॉलिनोमियल का बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमें दिखा फॉर्मेट पी प्लस टू बाय पी का होल क्यूब प्लस पी माइनस टू बाय पी का होल। आप अलग अलग ब्रैकेट्स पे भी फॉर्मूले लगा सकते हो, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, वो भी कर सकते हो, वो थोड़ा शायद आपको लॉन्ग लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आपको क्या ये फॉर्मूला याद है, ये जो सेकंड में लिखा हुआ ये वाला रेड सर्कल में मैंने लिखा, यस सर, का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अगर मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यही लिखा रहने दूं, बाकी सारा मैटर उधर ले जाओ, तो ये हमारी एक आइडेंटिटी और बन गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। ये मैंने करवाई हुई है, एक्स प्लस वाई क्यूब का एक आइडेंटिटी तो हो गई एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। वैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की एक और आइडेंटिटी भी बताई हुई है मैंने, क्या बताई हुई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक और आइडेंटिटी भी हमने की हुई है और ये भी हमने की हुई है, तो हम ये वाली लगाएंगे, ये पिंक जो एरो लगाया मैंने, ठीक है। आओ इस पूरी ब्रैकेट को थोड़ी देर के लिए x मान लो, इस पूरी ब्रैकेट को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, y मान लो। आपको x क्यूब प्लस वाई क्यूब अभी अभी बताया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब, x हमारा ये पूरी ब्रैकेट है, p प्लस टू बाय पी एक्स प्लस वाई, वाई क्या है, पी माइनस टू बाय पी का होल क्यूब। फिर फॉर्मूले में क्या था आगे, माइनस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो माइनस थ्री एक्स वाई, एक्स क्या है हमारे पास p प्लस टू बाय पी, वाई क्या है हमारे पास p माइनस टू बाय पी, ठीक है। और अंदर ब्रैकेट में, अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा बोलो, x प्लस वाई, यानी कि p प्लस टू बाय पी, पी माइनस टू बाय पी, यही फॉर्मूला था। अब देखो ध्यान से, ये 2 बाय पी से 2 बाय पी कैंसिल हो गया, p प्लस पी कितना हुआ 2p, तो ये p का होल क्यूब, का होल क्यूब माइनस। अब यहां पे थोड़ी समझदारी दिखानी है, p प्लस टू बाय पी इंटू पी माइनस टू बाय पी, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने बताया हुआ है कई बार, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a यहाँ पे p है और b क्या है 2 बाय पी है, तो माइनस 2 बाय पी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और नीचे p स्क्वायर, 4 p स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है किसी स्टूडेंट को, अब नो सर, ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2 बाय p से 2 बाय p कैंसिल आउट हो गया, 2p कितना रहेगा, 2p, यस सर। बेटा ये तीन चीजें प्रोडक्ट में नहीं है, हाँ जी मानसी, 3 इंटू दिस ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 4 बाय पी स्क्वायर एंड दिस वैल्यू 2p, इन तीनों को प्रोडक्ट करना है ना, यस सर। तो ये 2p पहले ही प्रोडक्ट कर दो 3 के साथ, 3 इंटू 2p क्या हुआ बेटा, 6p, कंफ्यूजन ना हो आपको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हुए। अब 2p का क्यूब क्या हुआ बोलो, 8p का क्यूब, यस, माइनस 24p नहीं होगा सर, 24p, पहले तो ये माइनस है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6p इंटू 4 होगा 24p, और नीचे वाला पी स्क्वायर, एक पी से पी स्क्वायर कट जाएगा तो नीचे p रह जाएगा, और 8p क्यूब माइनस 6p क्यूब क्या होगा बोलो, 2p क्यूब, 24 by p, यही हमारा आंसर है बोलो। अब बताओ कितने बच्चों को ये अब समझ आ गया अच्छे से, थोड़ा टफ था लेकिन ठीक है, इतने तो अब आपको लेवल बनाना पड़ेगा मेरे साथ रह के,